हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी का पेपर जो इस बार आपके ओपन बोर्ड में आने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पेपर तो बताऊंगा साथ में इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में कि जीवाणु जनित रोग है तो चार ऑप्शन है, उनमें से आपको जो रोग जीवाणु से होता है उसके बारे में बताना है। तो छोटी माता रोग जो किससे होता है, जीवाणु से होता है, तो आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि टर्नर्स सिंड्रोम में पाई जाने वाली गुणसूत्रीय अपसमानताएं हैं, तो हमें इसमें पाई जाने वाली जो गुणसूत्रीय अपसमानताएं वह बतानी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपका ए आंसर एकदम सही है, 44XXY, ये आपका असमानता पाई जाती है टर्नर सिंड्रोम में। आगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन में समन्वय करता है, तो पोंस, जो मानव मस्तिष्क का पोंस भाग है वह क्या करता है, मानव मस्तिष्क में शरीर संतुलन में समन्वय करता है। आगे, कौन सा टीका खसरा व रुबेला रोग से बचाव करता है, तो चार आपके टीके दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि खसरा और रुबेला रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका है, तो MMR टीका, जो आपका सी ऑप्शन है वह एकदम सही आंसर है, ये टीका खसरा व रुबेला रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। आगे, कौन सा प्रोटीन मधुमेह में उपयोग किया जाता है, क्या कि कौन सा प्रोटीन पूछा है जो मधुमेह नाम की बीमारी में उपयोग किया जाता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, उसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो आपका जो इंसुलिन प्रोटीन है वह किस में होता है भाई, मधुमेह में उपयोग किया जाता है। आगे, कृषि आधारित ईंधन का विकल्प है, आपको बताना है कि कृषि आधारित ईंधन कौन सा है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है बायोडीजल, दूसरा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आपका जो बायोगैस है, बायोडीजल है, वह एकदम करेक्ट आंसर है। आगे, यदि कवक में पर्णहरित की उपस्थिति होती तो पोषण विधि के आधार पर वह होती विषमपोषी होता है, क्या होता भाई, विषमपोषी, तो विषमपोषी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विबीजपत्री पादप की जड़ों से परिरंभ को हटा दिया जाए तो कौन सा कार्य नहीं होगा, तो आपके पास चार कार्य है, आपको बताना है कि कौन सा कार्य नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है जो आपको मिलाना है, और आपके ये दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन है। तो हमारा जो पहला है राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कि कोशिका श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन करना, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने से मिलेगा। आगे, जो आपका सेंट्रियोल है उसका क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है कि कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण करना। आगे, जो आपका बच गया लाइसोसोम, उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है कि अंतर कोशिका का पाचन। आगे, मानव शरीर के दो अवशेषी अंगों को 100 उदाहरण समझाइए, आपको मानव शरीर के दो अवशेषी अंग जो किसी भी काम के नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तो है कान की मांसपेशी, क्या है भाई, कान की मांसपेशी, एक है जो पुरुषों में निपल होते हैं, ठीक है, नरों में जो निपल पाए जाते हैं वो किसी काम के मानव शरीर में नहीं होते हैं। आइए, मानव में मादा जनन तंत्र के किन्हीं चार भागों के नाम, तो आपको नाम लिखना है, पहला अंडाशय हो गया, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय हो जाएगा और चौथा योनि हो जाएगा, तो आपको चार नाम लिखने हैं केवल। अगला क्वेश्चन आपका कि सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जो टीका लगाया जाता है वह बाहर से लगाया जाता है, बाद में शरीर अपने प्रतिरक्षा विकसित करता है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है,
प्रतिरक्षा में क्या होता है कि शरीर खुद उस बीमारी का टीका शरीर में ही बनाता है। आगे, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप कौन से दो खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह देंगे? तो जो आपका बादाम है वह विटामिन ए की अच्छी पूर्ति करता है, और एक जो मछली है उसमें अधिकतर विटामिन ए पाई जाती है। तो ये दो उदाहरण आप लिख सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है तो लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम। वह क्या करता है भाई? लाइगेज एंजाइम करता काम है डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। आगे, किण्वन द्वारा बनने वाला विटामिन है तो विटामिन बी बारह जो किण्वन की अभिक्रिया होती है उसमें विटामिन बी बारह बनता है। आगे, संजीव संचार में संगठन के विभिन्न स्तर बताने, स्तरों के केवल आपको नाम लिखने होंगे। 16 क्वेश्चन है, पर्यावरण की सफाई के संदर्भ में जैव उपचार क्या है? तो आपको बताना है कि जैव उपचार क्या हो सकते हैं जो पर्यावरण की सफाई कर सकते हैं। आगे, 17 क्वेश्चन है, बीटी फसलों को उगाने के संदर्भ में कीट वैज्ञानिक क्यों चिंतित है? जो बीटी फसल है उसे उगाने के लिए जो कीट वैज्ञानिक है उन्हें चिंता है, उनकी चिंता का कारण लिखना है आपको। आगे, 18 क्वेश्चन है कि सूती पोषण से आप क्या समझते हो? आपको इसकी परिभाषा लिखनी है कि सूती पोषण यूट्रोफिकेशन क्या होता है। आगे, 19 क्वेश्चन है, यदि एक हीमोफीलिया रोगी पुरुष का विवाह एक हीमोफीलिया रोग वाहक स्त्री के साथ होता है तो इनकी संतति में होने वाले रोग की क्या संभावनाएं होंगी? तो आपको बताना है कि हीमोफीलिया पुरुष और हीमोफीलिया स्त्री का यदि विवाह होता है तो यदि उनकी संतान होती है तो उसमें ये रोग होगा या नहीं होगा, ये आपको देना है उत्तर। आगे, 20वां क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। उत्परिवर्तन की आपको परिभाषा लिखनी है। आगे, 21वां क्वेश्चन है, अंतःश्वसन व निःश्वसन में कोई दो अंतर लिखने तथा मानव में श्वसन की क्रियाविधि का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको श्वसन की क्रियाविधि का चित्र बनाना है और अंतःश्वसन तथा निःश्वसन में कोई दो अंतर बताने। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, 2+2 में। आगे, निम्न के कार्य लिखिए। तो प्रोटीलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इसके आपको कार्य लिखने हैं और कम से कम आपको दो दो कार्य लिखने हैं। ये भी आपके 2-2 नंबर के 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो 23वां क्वेश्चन हमारा, यकृत शोध रोग को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। रोगजनक, संचारण की विधि, कोई दो लक्षण बताने, रोकथाम एवं उपचार बताने इसके। आगे, 24वां क्वेश्चन है, भूमिगत तने के कोई 4 रूपांतर को उदाहरण सहित समझाइए। क्या करना है? भूमिगत तना को कोई आपको 4 रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाने कि उसमें क्या क्या रूपांतरण होते हैं। आगे, पौधे की प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पत्तियों में पर्णरित की मात्रा में कमी हो जाए, यानी पर्णरित कम हो जाए तो पौधे की प्रकाश संश्लेषण में क्या कमी होगी? पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं तो क्या होगा? पत्तियों को सिर्फ हरा प्रकाश देने पर क्या होगा? वातावरण का तापमान प्रतिकूल होने पर क्या होगा? आगे आपका 26वां क्वेश्चन है, एक द्विवर्षीय पौधे को एक मौसम में पुष्पन कराने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, उपसंग वर्टिब्रेटा के 2 कोई लक्षण बताने, वर्ग एम्फीबिया के 2 लक्षण को समझाइए तथा 2 उदाहरण भी दीजिए। किन्हीं 2 एम्फीबियन का नामांकित चित्र भी बनाइए। और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और 6 नंबर की क्वेश्चन में आपको अथवा का अथवा भी मिलेगा। तो अथवा में आपकी क्वेश्चन है, उपजगत यूमेटा जोआ के 2 मुख्य लक्षण लिखिए, संघ एनेलिडा के 2 लक्षणों का समझाइए तथा उदाहरण भी दीजिए। किन्हीं 2 एनेलिडियन का नामांकित चित्र बनाइए। तो 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के, और ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। अथवा में आप जो चाहे वो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी।
आगे अगला क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का है। क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 अंगों की केवल नाम लिखने हैं। वक्र वृक्क में परानिस्यंदन को समझाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आगे मानव श्वसन तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखने हैं। कोशिका के श्वसन को समझाइए। मानव फेफड़े का नामांकित चित्र बनाना है आपको। आगे 29वां क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। घास मैदान की खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों को चित्र की सहायता से समझाना है। आगे जनसंख्या घनत्व क्या है। उन 4 कारकों को लिखिए जिन पर जनसंख्या का घनत्व निर्भर करता है। जनसंख्या घनत्व के परिचालक का चित्र भी बनाइए। आगे आपका 30वां क्वेश्चन है कि टीकाकरण क्या होता है। प्रथम पीढ़ी के टीके तथा द्वितीय पीढ़ी के टीके कैसे बनाए जाते हैं। सामान्य मूसक व पराजीनी मूसक की तुलना का चित्र बनाइए। और इसके अथवा में किण्वन क्या है। जैव गैस निर्माण की विधि को समझाइए। डीएनए लाइब्रेरी के लिए प्रयोगजनक डीएनए की बहु प्रतिलिपियों के निर्माणकारी चरणों का चित्र बनाइए। तो आपके 30 क्वेश्चन इस बार ओपन बोर्ड में आएंगे जो मैंने आपको बता दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इस बार बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करोगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।